एक ऐसा संगीत है जो आपके अंदर निरंतर चल रहा है, वो एक दिव्य संगीत है जिसको अनहद नाद बोलते हैं, जो बिना बजाए बजता है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में अनहद नाद बोलते हैं। वो रियल संगीत है आपका, वो कहीं से नकल हो कर नहीं आता है, वो आपका संगीत है। तो उस संगीत को अपने साज में, अपने इंस्ट्रूमेंट में बाहर निकालना, वो होता है असल संगीत। इसलिए संगीत की साधना करिए और नित निरंतर कुछ नई रचना, कुछ नई धुन के साथ जिंदगी की यात्रा को आप आनंद से जीजिए। तो मैं कुछ नया सुनाता हूँ। ये जो संगीत है, ये हमारे भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा हमारे वेदों में जो वेदों से जो निकला है वही संगीत है, इसीलिए इसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। ये एक मेडिटेशन के डीप में है, मेडिटेशन के अंत गहराई से निकल कर आता है। तो ऐसे संगीत की साधना करिए तो लगेगा आपको कि कुछ जीवन सफल हुआ है, नहीं तो जीवन में एक अधूरापन, एक खालीपन, जैसे कि कुछ था जो मिला नहीं, वो क्या है, हमेशा इसकी खोज रहती है। बहुत कुछ जीवन में सांसारिक चीज़ मिलने के बावजूद भी कहीं एक कोना में खालीपन रहता है, तो उस खालीपन को ये दूर करता है। तो शास्त्रीय संगीत की साधना करिए, इस संगीत को सीखिए, तब है जीवन की एक आनंदमय जीवन, तब जीवन में कुछ लगता है कि हाँ पूरा हुआ है कुछ। तो ऐसे साधना करिए, ऐसे संगीत सीखिए। आपके अंदर एक महान व्यक्तित्व छुपा है, उस व्यक्तित्व को निकालिए, संगीत के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करिए, परमात्मा की साधना करिए, ध्यान करिए। इसलिए जरूर संगीत को सीखिए और आइए हमारे साथ जुड़िए बांसुरी की ऑनलाइन क्लासेस में, आपको आनंद आएगा। ठीक है, ओके, जय श्री कृष्ण।